This conference will now be recorded. देखो ये तो हेलो आवाज सुनाई हो दे रही है। सर, ओके हो सर, हो सर। सद्य सोमवार रहा अथवा हिंदुवास रहा अश्विन कृष्ण पंचमी दिनांक 25 अक्टूबर 2021 चरक विमान क्रमांक 2 शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीनं प्रौढदावाग्निलीनं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरु आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषत् श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत् कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षम् ईक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरा अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् तत्र साध्यमामं प्रदुष्टम् अलसीभूतम् उल्लेखयत् आदौ पायेत स लवणम् उष्णम् वायु। तो अगर साध्य इस प्रकार का आम है, प्रदुष्ट है, अलसीभूत इस प्रकार का है, तो शुरू में सलवणम उष्णम वारी पायित्वा पानी में नमक डाल के गर्म पानी देना है और फिर वो बंद करवाना है। तथा स्वेदन वर्ति प्रणिधानाभ्यम उपाचरित उपवास एक्षयेन और स्वेदन वर्ति प्रणिधान से उपचार करें और उपवास एक्षयेन और उसको उपवास करना करवाना चाहिए। तो लंघन इसमें एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। विसूचिकायाम तो लंघन में वहां विरक्त बच्चा विसूचिका में शुरू में लंघन ही लेना है और विरक्त होने के बाद जैसी जैसा क्रम होता है वैसा ही करना है। आमु प्रदोषेशु तो अन्न काले जीर्ण आहार पुनः दोषावलिप्तामाशय स्थिमित गुरुकोष्ठम अनंदाभिलाषण अति समीक्ष पाए दोषशेष पाचनार्थम औषधम अग्नि संदुक्षणार्थं च। तो एक टिपिकल अवस्था है और उसको भली भांति समझ लेना और फिर उस प्रयोग उसका प्रयोग करना ये अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो आम प्रदोष में अन्न काल जो उसका नियमित इस प्रकार का अन्न काल है उसमें जीर्णाहारम आहार उसका पचन हो गया है पुनः दोषावलिप्तामाशय लेकिन आमाशय दोषों से अवलिप्त इस प्रकार का है स्थिमित गुरु कोष्ठम और कोष्ठ भी स्थिमित गुरु इस प्रकार का है अनन्नाभिलाषिणम और अन्न क्या अभिलाष बिल्कुल नहीं है अभिसमीक्ष तो इस प्रकार से जानकर पाइए दोष शेष पाचनार्थम औषध जो दोष शेष दोष है उनके पाचन के लिए और अग्नि संदुक्षण के लिए अग्नि संदुक्षणार्थ औषधम
औषध देना है इस प्रकार से। तो एक बात ध्यान में रखनी है कि उस जमाने में औषध जो रहते थे वो चूर्ण कवाथ वगैरह इस प्रकार से रहते थे, अब उनकी मात्रा काफी बड़ी इस प्रकार की रहती थी। तो फिर औषध इस मात्रा में देना है कि वो शेष दोषों का पाचन इस प्रकार से करे, और भूख नहीं लगी है तब भी औषध देना है, ये एक इसमें अहम मुद्दा है। योग जोशी सर हमें पढ़ाते थे तो उन्होंने एक बात बताई थी कि 6 दिन पहले औषध बिल्कुल नहीं देना है, ऐसा ग्रंथों में निर्देश है। और फिर भी मैं भी औषध देता हूँ, बहुत सारे वैद्य भी शुरू से ही ज्वर में औषध देते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, ये किस आधार पर हम देते हैं? तो उनका कहना था कि ये रसशास्त्र औषधियों के लिए ये लागू नहीं है, क्योंकि अल्प मात्रों पर योगित पात उसकी मात्रा बहुत कम है, तो चाहे हम त्रिभुवन कीर्ति सुवर्ण सूक्ष्मकर जो भी दवाइयां देंगे इस प्रकार से दोष शेष पाचन के लिए, वो इस प्रकार से जा सकती है कि शरीर उनका पचन करवा लेगा और उनके जरिए ये दोष शेष जो है उनका पचन होता रहेगा। तो जब तक आहार है तब तक अग्नि आहार का ही पचन करता रहेगा, आहार पचति शिखी दोषान आहार वर्जित पचति। अगर आहार वर्जित है तो ही दोषों की तरफ वो मुड़ेगा और दोषों का पचन करना आरंभ करेगा। उसमें भी सामो दोष शुरू में पचन होंगे और फिर निरामो दोष का पचन होगा। लंघने न क्षयन निषेध नीते दोषे संदुक्षिते चामन संदुक्षिते नले, ये जो कंडीशन बताई गई है कि लंघने न क्षयन नीते दोषे, लंघन से जब दोषों का क्षय हो जाता है और फिर संदुक्षिते अनले और अग्नि प्रदीप्त हो जाता है, तो स्वास्थ्य पत्ति बलम ओजस्य जाए, स्वास्थ्य रुचि पंक्ति बल ओज ये सभी का निर्माण उससे हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि शुरू में तो दोषों का ही पचन अन्न का ही पचन होगा, अन्न नहीं होगा तो दोषों का पचन होगा, उसमें भी साम दोष का पहले पचन होगा और बाद में निरामो दोष का इस प्रकार का होगा। और उस समय भूख नहीं लगी हो तो भी अन्न काल में उसको औषध देना। ज्वर में आगे एक सूत्र आता है कि सायान्न काल में उसको भूख नहीं हो तो भी अन्न देना जरूरी इस प्रकार का है, बलवान अन्नमस्तदा, कि उस समय में अग्नि प्रज्वलित इस प्रकार का होता है तो सायं काल में उसको खाना दे सकते हैं, उसको भूख नहीं है तो भी दे सकते हैं इस प्रकार से। तो ये बैलेंस करना जरूरी है कि अमावस्या है और दोष ज्यादा है, शरीर की शक्ति कम है, ऐसी स्थिति में औषध युक्त आहार, ये एक बात होती है कि यहाँ तो केवल औषध देने की बात ही है, लेकिन जो पेया वगैरह इस प्रकार के है यूष जो है जो औषधि सिद्ध हो सकते हैं, तो ऐसा देना इसमें एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा कि ये बल देने वाले इस प्रकार के होते हैं और साथ में औषध होने के कारण पाचन शेष दोषों का पाचन और अग्नि संदूषण ये भी बातें करते रहते हैं। न तो एवं अजीर्णाशनम, किंतु अगर अजीर्ण है, अशनम अजीर्ण है, खाना पचा नहीं है तो नहीं देना। आम प्रदोष दुर्बलो ही अग्नि न युगपत दोषम आहार जातम च शक्ता पक्तो। आम प्रदोष दुर्बल जो अग्नि है वो एक साथ में दोष और औषध और आहार जातम इन तीनों का पचन करने में समर्थन नहीं होगा। अपिच आम प्रदोष आहार औषध विभ्रमः अति बलवत्वात् उपरत कायाग्नि सहसा एव आतुरम अति अबलम अति पाते। और आम प्रदोष आहार और औषध इसका इन सभी का विपरम अति बलत्वा अति बलवान होने के कारण उपद्रत कायाग्नि जिसका अग्नि नष्ट हो गया है सहसा एव आतुरम अवलम अति पाते, अचानक
जो अबल इस प्रकार का रुद्र है उसका विनाश कर देगा। तो ये बात न्यन्याधिप चैतेषाम आतुर सहस विभ्रम सहसातुरम, इन सभी का विभ्रम अचानक रुग्णों का मृत्यु करवाएगा, ये वाग्भट में लिखा है। तो मैं ये सूत्र पढ़ाते समय हम खास ऐसा सोचता था कि आजीर्ण से इस प्रकार से मृत्यु कैसे है, लेकिन मैंने दो मरीज इस प्रकार से देखे कि ये इस प्रकार से अजीर्ण से रुद्रोग फिर उसके जरिए मृत्यु, ये बात देखी गई। तो ये एक मुद्दा, अहम मुद्दा इस प्रकार का है कि ऐसी अगर स्थिति है तो अजीर्ण औषध अजीर्ण अन्न अशन होने के समय खाना नहीं देना है। आप उसका बल देख के वमन के बारे में सोच सकते हैं, उल्लिखे ये जो बात बताई गई है वो उसके बारे में सोच सकते हैं। बल अच्छा नहीं है तो केवल लंघन ही करवाना, यही उचित इस प्रकार का है। नहीं तो ये आम प्रदोष, ये अजीर्ण इस प्रकार का अन्न दोष और औषध, इन सभी का पचन होना मुश्किल इस प्रकार का है और उनका विभ्रम आपको तो मार सकता है। तो खास करके जब औषध की भी मात्रा ज्यादा हो तो ये बात जरूर सोचनी है। अभी शंखवटी या शिवाक्षर पाचन या लवण भास्कर वगैरह वगैरह इस प्रकार की दवाइयों का अगर प्रयोग करेंगे या अग्नि कुमार रस वगैरह इस प्रकार से या चित्रकारी वटी इस प्रकार से प्रयोग करेंगे तो शायद ये नौबत नहीं आएगी कि दोष है, साम दोष है और अजीर्ण अन्न इस प्रकार का है तो ज्यादा तकलीफ होने की या उससे मृत्यु होने की संभावना नहीं रहे। लेकिन इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए लंघन देते रहना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लाजा मंड वो भी घूट घूट गर्म इस प्रकार का देंगे तो एक बार बात हो सकती है कि अमर देव पोषण निष्पिपासो व्यपक पिबे, आमाजीर्ण और विष्टब्धा जीर्ण इसमें पिपासा नहीं होने पर भी गर्म पानी पिए इस प्रकार से तो उससे पाचन होने लगता है और लाजा मंड करके देंगे तो थोड़ा बल भी इसमें रहेगा। तो इसमें सबसे अहम मुद्दा बल का है, बलम ही अलम दोषाहरम परंतच बल प्रदम, ये जो मांसरस के बात में बारे में बात कही गई है उसी प्रकार से बल ही दोष का निग्रह करने में समर्थ इस प्रकार का होगा और ये परम बल प्रद इस प्रकार का। तो ऐसी अवस्थाओं में हमें सजग रह के बल भी रक्षण करना है, बल का भी रक्षण करना है, दूसरी ओर आम का पाचन भी करना है, साम दोष का पाचन भी करना है और अग्नि को संरक्षित करना है। ये सभी बातें अगर हो सकती है तभी हम अच्छे रिजल्ट्स उसमें पाएंगे। आम प्रदोष जानाम पुनः विकाराणाम अपतर्पण एव उपरमो भवति, आम प्रदोष जो विकार है उनका अपतर्पण से ही नाश होता है, उपरम होता है। तो ये एक बहुत अहम सूत्र है कि हम अगर अपतर्पण की जरूरत है हम अपतर्पण नहीं करेंगे तो विकार कभी भी शांत नहीं होगा। इस सूत्र का उल्टे तरीके से दूसरे तरीके से आधार लेते हुए एलोपैथी विश्व पर राज कर रही है कि आपको कभी भी आम प्रदोष से मुक्ति दिलवानी ही नहीं है, लाइफस्टाइल के बारे में कुछ बताना नहीं है, खाने पीने के बारे में कुछ बताना इस प्रकार का नहीं है और लोगों को खाते रहना रहते रहना चाहिए, भूख न हो तो भी खाते रहना रहते रहना चाहिए और फिर ये आम की प्रक्रिया निरंतर बनती रहेगी और अपतर्पण ही उसका इलाज है, लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं चलेगा कि लंघन से ही वो दुरुस्त होने वाले हैं, ठीक होने वाले हैं। तो ये बड़ी नौबत इस प्रकार की हो जाती है और इसीलिए पूरा समाज अस्वस्थ है। तो हमारे पास मरीज आते हैं उनको तो काफी बरस हो चुके होते हैं कि आम की प्रक्रिया चल रही है क्योंकि बगैर भूखे ही खाना खा रहे हैं, बगैर पहला अन्न पचन होने से ही खाना खा रहे हैं इस प्रकार से,
दवाइयां लेनी है इसलिए खाना खा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये आम बनता ही रहेगा और ये परिस्थिति बिगड़ती ही रहेगी। तो जब मरीज आते हैं तो ये देख लेना है कि इस प्रकार का आम इस निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा है, और फिर शाम का खाना जल्दी लेना है, नहीं तो सूप केवल लेना है, सुबह ब्रेकफास्ट स्किप करना है, ब्रंच लेना है, वो भी नहीं है तो लंच लेना है डायरेक्टली। इस प्रकार से अपतर्पण करते रहेंगे और खाली पेट अगर पेट चेक करेंगे तो उसमें गौरव अगर है तो समझ लेना है कि आम का संबंध है। नाड़ी से भी पता चलता है, नाड़ी गुरु है, साम है तो भी पता चलता है, नहीं तो उदर गौरव ये एक अच्छा परीक्षण है कि जिसके जरिए हम भली भांति सोच सकते हैं कि आम इस प्रकार से निर्माण हो रहा है तो अपतर्पण ही करना चाहिए। तो पुनः विकाराणा अपतर्पणेन एव उपरमो भवति, अपतर्पण से ही उनका विनाश होता है, नाश होता है। तो मैंने जो 41 बरस अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसमें एक अहम सूत्र रहा है कि आम है साम दोष है ये देखना और अपतर्पण से शुरुआत करना। बहुत ही थोड़े लोग ऐसे होते हैं कि जिनको रोहन संतर्पण की अपेक्षा होती, बाकी सभी रोगियों में अपतर्पण यही चिकित्सा प्रधान इस प्रकार के रहते हैं, चाहे वो कैंसर हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, चाहे और कोई इस प्रकार की बीमारी। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इनका उपशम अपतर्पण से ही होता है, ये बहुत अहम मुद्दा इस प्रकार का है। सत्य तो अनुबंध है कुरुत अपतर्पणानां व्याधीनां निग्रहे निमित्त विपरीतम अपास्य औषधम आतंक विपरीतम एव अवचार्य यथास्म। नाउ इट इज ओके, ऑडियो कनेक्शन चला गया था। तो ये दूर करके व्याधि विपरीत औषध देना, तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। आतंक विपरीतम एवं अवचार है, इसमें भी एवं का प्रयोग है कि वही देना है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जब इस प्रकार की नौबत आ जाती है तो ये दोषाधिकार खत्म हो जाता है और व्याधिधिकार शुरू हो जाता है। चाहे ज्वर हो, रक्तपित्त हो, अतिसार हो, कुछ भी हो, किसी भी प्रकार का विकार हो,
तो उसमें ये आरंभवाद से अभिव्यध्य अधिकार शुरू हो जाता है और उसका उसकी औषध देना बहुत जरूरी है। तो ये इस मुद्दे को अधोलिखित करता है कि दोषाधिकार और वैध अधिकार अलग अलग इस प्रकार के। जब तक पूर्व रूपावस्था वगैरह इस प्रकार की है तब तक दोषों का व्यापार है। यद्यपि पूर्व रूपानंतरम व्याधिर्भवति यानी कि रोगोत्पत्ति होती है, संप्राप्ति होती है यानी कि रोगोत्पत्ति होती है, तो फिर आगे व्याधि का अधिकार चलने लगता है। उसकी ट्रीटमेंट करते समय निदान विपरीत चिकित्सा पहले देनी है। तो उससे क्या होता है कि जिन कारणों से यह सब उत्पन्न हो रहा हो, आम निर्माण हो रहा हो, वो उसकी शांति इस प्रकार की हो जाती है। अब दोष शेष है, उसके पाचन के लिए दवाइयां देनी है, फिर भी ये दोषाधिकार का मामला। लेकिन ये होने के बावजूद भी अगर व्याधि का उपशमन नहीं होता तो व्याधि विपरीत औषध देने की जरूरी है, आतंक यानी कि व्याधि। तो व्याधि विपरीत औषध देने की जरूरत है। और फिर हमारे लिए व्याधि का निदान क्या है ये देखना बहुत जरूरी है। जितने भी विकार ग्रंथों में बताए गए हैं उन सभी के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये विकार है इस प्रकार से। और फिर उसके अधिकार में जो दवाइयां है उसमें जो दोष शेष पाचन के लिए होंगे वो देने चाहिए। केवल नॉर्मल रूप से जो दोष शेष पाचन करने वाले हैं उनका प्रयोग वहां पे नहीं। अब एक मुद्दा ऐसा होता है कि अगर ऐसी स्थिति है तो नए विकारण के बारे में कैसे करें। कैंसर जैसे विकार नए है ऐसा ही मेरा मानना है, तो उसमें व्याधि विपरीत तो दवा क्या हो सकती है ये कैसे ढूंढ निकालेंगे इस प्रकार से। तो ये बड़ा ही सवाल है और अच्छा खासा जवाब उसका नहीं है। तस्मात विकार प्रकृति ही अधिष्ठानांतराणि च बुद्ध्वा हेतु विशेषांश शीघ्रं कुर्यात् उपक्रम। ये जो बात बताई गई है कि विकार की प्रकृति क्या ये पहले सोचे और फिर उसके खिलाफ दवाइयां देनी है। उसका नेचर क्या है उसके खिलाफ उसकी दवाई देनी है। तो कैंसर के बारे में अनटाइमली मिजरेबल डेथ ये कैंसर का स्वभाव है या उसकी प्रकृति है। तो अनटाइमली अकाल मृत्यु ये जो बात बताई गई है उसके हिसाब से रसायन चिकित्सा दीर्घम आयु स्मृति मेधाम आरोग्यम तरुणम वय ये जो रसायन की पदश्रुति है दीपन तथा पाचन मध्ये मुख्य असा भेद कौन था। जनरली जो पाचन है वो प्रायः दीपन भी रहता है, उष्ण वीर्य द्रव्य जो है कटु अम्ल लवण इन तीन रसों के ये पाचन दीपन दोनों तरीके का काम करते हैं। लेकिन तिक्त रसात्मक कुछ द्रव्य होते हैं वो पाचन का काम करते हैं और पाचन होने से अग्नि बढ़ता है क्योंकि जो उसके ऊपर आम का कवरण कवर है आवरण है वो निकल जाता है। और फिर जैसे अग्नि पर भस्म जमा होता है और उस भस्म को निकाल देंगे फूंक देंगे तो अग्नि वैसे ही प्रज्वलित है। उसी प्रकार से आम से छन्न अग्नि है और इसलिए उसकी ताकत नहीं है तो ये केवल आम को दूर करेंगे भले तिक्त रस से पाचन कराएंगे तो भी अग्नि प्रज्वलित हो जाता है जो मूल रूप से प्रज्वलित है लेकिन वो ढक गया था इस प्रकार से। और दीपन में उसकी क्षमता बिल्कुल कम हो गई है। जो अग्नि दो रोटी पचाने में समर्थ था वो अभी आधी रोटी भी पचा नहीं सकता ऐसी अगर स्थिति हो गई है तो उसमें दीपन की आवश्यकता है। लेकिन ज्यादातर उसमें पहले पाचन करने की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि इससे आम बनता है और ये आम भी अग्नि को ढक लेता है। तो ऐसी स्थिति में पहले आम का पाचन करना और फिर आगे दवाइयां देना
यहाँ जैसे तिक्त रस पाचन का काम करता है, वैसे घृत अग्नि दीपन का काम करता है। अगर आपकी अवस्था सही है तो थोड़े दोष रहे हैं या थोड़ा अग्नि भी मंद है तो भी घृतपान करवा सकते हैं। और फिर घृतपान से अग्नि बढ़ेगा, और अग्नि बढ़ेगा तो दोष शेष का भी पाचन हो जाएगा और खाना भी अच्छे तरीके से जाने लगेगा, तो फिर स्वास्थ्य मिलेगा। तो पाचन दीपन, पाचन दीपन, केवल पाचन, केवल दीपन, ऐसे काफी इसमें भेद रहेंगे। और घृत केवल दीपन है, पाचन नहीं है वास्तव में, लेकिन वो भी पाचन औषधियों से सिद्ध किया जा सकता है। ये एक अलग तरीका इस प्रकार का होता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अपास्य औषधम आतंक विपरीतम एवं अवचारय यथास्वम, रोग विपरीत इस प्रकार का औषध प्रयोग में लाना है। और रोग विपरीत कैसे करेंगे, किसको कहेंगे? तो एक अहम मुद्दा इसमें हुआ कि रसायन चिकित्सा ये कैंसर की मेन चिकित्सा हो गई। जो भी हमें औषधियों का प्रयोग करना है, जिस भी जिन भी औषधियों का प्रयोग करना है, वो रसायन हो, चाहे रसायन चूर्ण इस प्रकार का हो, गुरुची हो, या फिर शतावरी वगैरह इस प्रकार के द्रव्य हो, या सुवर्ण, जो भी रसायन करने वाले हैं उन्हीं का प्रयोग करना है। फिर उसमें आपको काफी द्रव्य मिल जाते हैं कि जो रसायन है, तो केवल रसायन है इसलिए, या वर्धमान पिपल रसायन, चवनप्राश रसायन, ये भी कैंसर में उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन ये आया कहाँ से? अनटाइमली मिजरेबल डेथ इस प्रकार से। तो मिजरेबल जो है उसके हिसाब से देखा जाए तो शांत विकार दुखा, ये पदश्रुति रसायन चूर्ण। तो अहम मुद्दा कैंसर में पेन का है, शूल का है, और वो काफी खतरनाक इस प्रकार का होता है, काफी तीव्र होता है। तो उससे कैसे बच पाएंगे? तो रसायन चूर्ण की फलश्रुति में शांत विकार दुख, विकार से उत्पन्न होने वाला जो दुख है उसको शांत करने वाला इस प्रकार का, और बहुत सिंपल कॉम्बिनेशन है, गुरुची, आमल का और गोक्षुर इस प्रकार का। चूर्णम शोधमुष्टाम अलकामृतानां विहंस सर्पे मधुभाग मिश्र, तो घृत और मधु के साथ उसको देना है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम रसायन का प्रयोग कैंसर के मरीजों में करते हैं तो वो व्याधि विपरीत चिकित्सा इस प्रकार की हो जाती है। और वैसे फिर भी हमें उसमें दोष देखने हैं, धातु देखने हैं, ये भी एक अलग मुद्दा इस प्रकार का रहेगा कि ये धातुओं में स्थित इस प्रकार का विकार है तो कौन से धातु उसमें इन्वॉल्व है, वो सुरतो दृष्टि कारण और सुरतो दृष्टि लक्षण के अनुसार, या अवयव इस प्रकार का इन्वॉल्व है उसके आधार पर जज करो, और उन धातु पाचकों का भी प्रयोग करो। और हेतु विपरीत चिकित्सा में शुक्र दृष्टि प्रधान है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन ये मेन कल्प्रिट है, तो उसके हिसाब से शुक्र शोधन गुण का प्रयोग करते रहना, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो अभी मेरा कैंसर का जो सूत्र है वो व्याधि विपरीत इस प्रकार से रसायन चिकित्सा, उसमें भी शुक्र का रोल ध्यान में रखते हुए शुक्र शोधन गण और कीरक भस्म, ये अहम इस प्रकार के रहेंगे। धातुओं के दृष्टि के अनुसार धातु पाचक ये इसमें रहेंगे, और फिर सिम्टम्स जिस प्रकार के हो उनके विपरीत भी चिकित्सा होनी ही है, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी उसमें होनी है। तो इन सभी का कॉम्बिनेशन एक्चुअली कैंसर की चिकित्सा का रहस्य इस प्रकार है। इसी प्रकार से हमें सभी भी कारण के बारे में सोचना। अभी सबसे दिक्कत वाला मुद्दा ऑटो इम्यून डिसीजेस हो रहा है, क्योंकि मेरे पास अभी उसके मरीज बहुत बढ़ने लगे हैं इस प्रकार से। रसायन चूर्ण मध्ये त्रिभावित करून त्यात कज्जली ऐड करावी का, पोटेंसी वाढवण्यासाठी मैं एक्चुअली कर रहा हूँ उसी को, भावना देके 7 बार भावना देके कर रहा हूँ। और उसमें थोड़ा हीरक कज्जली डाली है, मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन कुछ तो डाला है इस प्रकार से।
तो ये बेटर ऑप्शन इस प्रकार का होगा अभी सभी रोगों के लिए, चाहे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो, जैसे मैंने कैंसर के बारे में ये सोच लिया, अभी वैक्सीनेशन एक मेन कारण है और दूसरा मोह ये कारण है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में, कि जैसे कि जो प्रतिकार यंत्रणा है उसको मित्र कौन है और शत्रु कौन है, अपने कौन है और पराये कौन है, इसके बारे में पता नहीं चलता। और फिर मोह से जो हमारे मित्र है, जो हमारे ही सेल्स है, उनके ऊपर वो आक्रमण कर देते हैं, इसको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स इस प्रकार से कहते हैं, डिसीज कहते हैं। तो ये काफी मिलता जुलता है कि रुद्र ने, शंकर ने इसको निर्माण किया राक्षसों को या यज्ञ का विध्वंस करने के लिए, और फिर यज्ञ का विध्वंस हो गया, जिनको मारना था उनको मार दिया, अब क्या काम करें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप जोर बन जाओ इस प्रकार से, और जो अपत्य से भी इस प्रकार के हाँ। लोग हैं उनको आप पीड़ा दे दो इस प्रकार से। तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और इसमें क्या अंतर है कि तुम अपने ही लोगों पर काम करना शुरू करो, उनको मारना इस प्रकार का शुरू करो, जब तक ये दोषों का पाचन, आम का पाचन करेंगे तब तक ठीक रहेगा, लेकिन उसके आगे धातुओं का पाचन करने लगेंगे तो ये बड़ी मुसीबत वाली बात होती है। तो वपु काले की एक किताब है अपन सारे अर्जुन, तो उसकी शुरुआत तो मुझे बहुत अच्छी लगी, और अर्जुन तो जैसे मोह हुआ था कि मेरे ही गुरुजन बंधुजन सामने है तो उनको मैं कैसे मारूं, और इस मोह को दूर करने के लिए भगवद गीता बताई गई कृष्ण के द्वारा। तो उसी प्रकार से भगवद गीता इसमें कुछ काम कर सकेगी, हमारे सेल्स का मोह अगर दूर हो जाएगा, संज्ञा स्थापन गणाचा विचार करता येईल का, जरूर सोच सकेंगे संज्ञा स्थापन गण। डज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर अपियर ड्यू टू धात्वग्नि मांद्य, ये थोड़ा सा मुश्किल इस प्रकार का रहेगा, धात्वग्नि मांद्य होता है नहीं होता है इसके बारे में। कज्जली टाकली टाकली है भावित रसायन चूर्णा, ओके तो टाकले लिया है तो ठीक। तो धात्वग्नि मांद्य है या नहीं है ये अलग मुद्दा रहेगा, लेकिन धातुओं का तो रोल है उसमें संदेह है, इस प्रकार का नहीं है। तो बस हमें ये देखना है कि धातुओं का हम भली भांति रक्षण कैसे कर पाएंगे, और इस मोह को दूर करने के हेतु शायद मेध्य रसायन का प्रयोग करेंगे, कि मेधा ग्रंथाकर्षण शक्ति है, लेकिन मोह दूर होगा और सेल्स सोचने लगेंगे, जो इम्यूनिटी वाले सेल्स है वो सोचने लगेंगे कि मैं किस पर आक्रमण कर रहा हूं, क्या सही है या नहीं है, और वो अगर जागृत हो जाए तो फिर ऑटो इम्यून डिसीजेस काबू में आएंगे। अब इंटीग्रेटेड विचारों में स्टेरॉइड देने से कुछ हद के लिए, कुछ देर के लिए कंट्रोल होते हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स होते रहते हैं, मूल रूप से इलाज नहीं होता है, और ये जन्म भर इस प्रकार से लेने ही है। अभी COVID-19 वैक्सीन जितने बड़े पैमाने पर सभी लोगों के लिए इस्तेमाल में लाया गया, उससे आगे वाले कुछ वर्षों में ऑटोइम्यून डिजीजेस बहुत बढ़ जाएंगे, ऐसा मेरा तर्क है। और ये केवल हमारे लिए ही नहीं, एलोपैथी के लिए भी और सभी समाज के लिए भी ये बड़ा कष्ट का काम है।
तो नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ाना यही सबसे अच्छा तरीका इस प्रकार का रहेगा। तो मोह को दूर करने के लिए क्या करेंगे ये थोड़ा देखना चाहिए। रसायन शुड बी गिवन लेटर ऑन आफ्टर दीपन पाचन चिकित्सा व्हेन निराम अवस्था कम्स और इन कैंसर पेशेंट शुड बी गिवन फ्रॉम बिगिनिंग ऑन। मैं शुरू से ही दे रहा हूं। इसमें एक अहम मुद्दा ऐसा है, जो मरीज आते हैं वो काफी एडवांस स्टेज में ही आते हैं, जब एलोपैथी पूरी तरीके से बंद हो जाती है, अब करने लायक कुछ नहीं रहता, तभी मरीज हमारे पास आते हैं। और ऐसी अवस्था में जब तक लाभोपायो शस्तानाम रसायनम रसायनम का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक रोगों पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। शरीर का बल, मन का बल बहुत कम है, दोषों का बल बहुत ज्यादा है, गाड़ी का बल बहुत ज्यादा है। ऐसी स्थिति में जब तक हम इसका बल बढ़ाएंगे नहीं, इम्यूनिटी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तब तक रोग के ऊपर काबू पाना काफी मुश्किल इस प्रकार का होगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ यह है कि शुरू से ही रसायन चिकित्सा देना और क्षीरकृताभ्यास रसायन आना ये श्रेष्ठ है, तो उसी का प्रयोग करवाते रहना, ऐसा नहीं करता रहता। तो जिस तरीके से इसमें हमने रसायन चिकित्सा ये मेन चिकित्सा होनी चाहिए इस प्रकार से सोच लिया, उसी तरीके से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में या अन्य अधिकारों में भी व्याधि प्रत्यनी का चिकित्सा क्या होगी ये सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि रसायन चिकित्सा ही वहां पे व्याधि प्रत्यनी इस प्रकार, क्योंकि ऐसा है कि धातुओं का निर्माण अच्छे तरीके से नहीं हो रहा और ये आम प्रदोष के कारण हो रहा है, उत्तरेण आहारेण उपसृजन इस प्रकार के। पहला, आहार रस ठीक तरीके से उत्पन्न नहीं हुआ है, उसमें दूसरा आहार रस मिल गया और ये परंपरा बरसों तक चलती रहती है, तो उसके जरिए धातुओं का निर्माण ही अच्छा नहीं होता, तो कारण टालना ये तो एक आम मुद्दा है कि आम का पाचन करे शुरू में। और इसलिए मैं बताता हूं, जब भूख लगे जितनी भूख लगे उतना ही दूध लो, 2 लीटर के आगे दूध जाएगा तो बाकी खाना शुरू करेंगे। तो लोग उसका विपरीत अर्थ ले लेते हैं कि मैं तो किसी ना किसी तरीके से 2 लीटर तक पहुंचना चाहिए ताकि मैं आगे दूसरा खाना खा सकूं, ये इस प्रकार से लोग सोच लेते हैं और बगैर दूध दूध लेना भूख दूध लेना शुरू करते हैं और फिर मुसीबत हो जाए। तो हमें धातु निर्माणों की प्रक्रिया अच्छी तरीके से ठीक करनी है। जब केवल भूख लगने पर और जितनी भूख हो उतना ही दूध लेना है ऐसा कहने से शुरू में आधा लीटर ही दूध जाता है, तो लोगों को लगता है कि इससे शक्ति नहीं बनेगी, वजन कम हो जाएगा, होता भी है इस प्रकार से। तो फिर वो छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जब तक ये आम प्रदोष दूर नहीं होता और सच्चे ढंग से भूख नहीं लगती और 2 लीटर दूध भूख के साथ जाना नहीं लगता, तब तक पेशेंस रखना है। जैसे हम बाकी रोगियों में अपर तो पर करते हैं, लंघन करवाते हैं, ये इसी तरीका है, यही यही वो तरीका है। 4-5 किलो भी वजन कम होता है, फिर बाद में जब हम दूध के साथ खाना शुरू करते हैं तो फिर वजन बढ़ने लगता है। तो आम प्रदोष को भी ठीक करना है, रासायनिक चिकित्सा भी करनी है, पाचन भी करना है और अग्नि मंद है उसका भी दीपन करना है, धातुओं का बल भी बढ़ाना है, ये सभी कार्य हमें एक साथ करने हैं। ये काफी मुश्किल होगा, कितनी एडवांस स्टेज है, किस अवयव का कैंसर है, ये सभी इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो कुछ योजना हमें करनी है वो करनी है। और ये काफी टेढ़ा मामला है क्योंकि ये रुग्णानुरूप बदलता रहता है। सुरुवातीला आमोपाचन उपचारासह वेदनाहार औषध देणे योग्य आहे का?
हो सकता है अगर वेदना बहुत ही तीव्र इस प्रकार की है तो तसल्ली होने के लिए यहाँ दवाइयां कुछ काम कर रही है, क्योंकि एलोपैथी में तो वेदना शमन देते हैं तो उसका काफी अच्छा रिजल्ट आता है। मॉर्फिन का पैच भी लगाते हैं तो भी वेदना कम होती है तो पेशेंट को राहत मिलती है इस प्रकार से। तो उस तरीके से हम भी थोड़ा सोच सकते हैं कि पाचन इस प्रकार की दवाइयां देना। लेकिन मूल रूप से लंघन अपतर्पण करवाना, धूप पे रखना, ये बाकी सी भी चीजें जो है शुक्र शोधन गण वगैरह इन सभी का प्रयोग करना ये आवश्यक रहेगा। उसके साथ में अगर तुम्हें कुछ पाचन इस प्रकार का देना है तो यह अच्छा ठीक रहेगा। दीपन पाचन औषधि जवना पूर्वी देवे का ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर आपको अपान काल का प्रयोग करना है, मदावश है, और पाचन करके मल को दूर दूर निकालना है, बाहर निकालना है, तो आरोग्यवर्धिनी जैसी दवा अपान काल में देते हैं। मेरे मधु शास्त्री जोशी काफी इस प्रकार से करते थे, मैं भी करता रहता हूँ। जनरली रसोंस वरस मध्ये पारदाचा शोधन केलेला पाठ कॉमनली यूज केला जातो, पण रक्तप्रधान दृश्य असताना रसोंमध्ये केलेली शुद्धीचा फारसा फायदा होणार नाही असं वाटतं। रसोन रक्तदृष्टीमध्ये वापरू नये। सही है, लेकिन बाकी जो पाठ है रसोन शुद्धि के वो देखने चाहिए। अगर मुझे रक्तदृष्टि के लिए ही करना है पारद, तो रसतरिंगिणी मध्ये पारद सामान्य शोधने बरेच पाठ आलेले आहेत। वेदना औषधे संबंध गुणाच्या असू शकतात आणि अंगपचनामध्ये त्यामुळे बाधा येऊ शकते, ये भी सही है। मॉर्फिन जैसे ड्रग जो है वो संबंध है और फिर वो अंगपचन इस प्रकार के अशुद्ध चिकित्सा हो जाएगी। कौनती वेदना शामक औषधे कैंसर में वापस, ऐसा नहीं है। पेट के संबंध में जो कैंसर है उसमें धात्री लोह या सप्तामृत लोह का मैं प्रयोग करते रहता हूँ बाकी दवाइयों के साथ, और उससे काफी अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन जो अन्य कैंसर है, चाहे ओरल हो चाहे वृक्क के संबंध में हो, लिवर के संबंध में हो, इन सभी में यही काम करेंगे ऐसा नहीं। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ नए नए मेडिसिन प्रचलन में लाने के लिए, और किसके लिए कौन सा प्रयोग में अच्छा रहेगा। त्रयोदशांग गुरुकुल एक अस्थि संबद्ध अगर है तो करता हूँ। चंद्रकर्मावटी, वृक्क विकार या मूत्राश्वरी या फिर ये ब्लैडर कैंसर वगैरह में प्रयोग करता रहता हूँ। लेकिन चंद्रप्रभा भी वैसे रसायन है, अगर गुरुकुल शिलाजंतु के प्रयोग करने हैं तो चंद्रप्रभा भी रसायन है और अच्छी है इस प्रकार से। सप्तामृत लोह की फलश्रुति में मूत्राश्मरी वगैरह ये सब है और वेदना इस प्रकार का है, ये सभी लोहों के तत्व या आंतों के विकारों में भी इस प्रकार के। आतिश ओसवाल मेरे क्लिनिक में था और रीनल कोलिक का मरीज आया, तो मैं चंद्र प्रभावी विधानी के बारे में सोच रहा था। तो उसने कहा सर सप्तामृत लोह की फलश्रुति में ये आये है लक्षण। मैंने ढूंढ के निकाला तो पता चला कि ये अच्छा है, तो मैंने उस समय सप्तामृत लोह दे दिया और उससे अश्मरी की वेदना कम हुई। तो हम एक विशिष्ट तरीके से विशिष्ट द्रव्यों का, औषधियों का प्रयोग करते रहते हैं और उसके दूसरे कुछ परिणाम है ये भूल भी जाते हैं। दूसरे किसी विकारों में भी ये काम करता है। चंद्रप्रभा दंत शूल में, नेत्र रोग में भी आया है, नेत्र नेत्र शूल इस प्रकार में भी आया है। अभी ये डायमॉक्स देते हैं ग्लाकोमा में, डायबिटिक्स के स्वरूप में, उसकी पेन कम करने के लिए, तो उसके बदले में हम चंद्रक्रमा प्रयोग कर सकते हैं। ये एक दातार गुरु जी के दृष्टि से देखना है कि उनमें
बस्ती में वेदना, इस प्रकार अमृतकुंड जिनको कहते हैं, उसमें वेदना है क्या? तो चंद्र प्रभा भी इसमें अच्छी काम करेगी। तो चंद्र प्रभा केवल यूटीआई की दवा है ऐसा लोग समझ कर चलते हैं, वो बिल्कुल गलत इस प्रकार का है। ज्वरा मध्य आगा दुग्ध छान रिजल्ट आए, विषितिंदुक वटी ऑल्सो शो स्तंभन इफेक्ट। मैंने ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया है। आम पाचक वटी आयुर्वेद रसशाला की मिलती थी, अभी माधव में मिलती है क्या, जिसमें विषितिंदुक इस प्रकार का है। और अग्नितुंडी वटी है जिसमें विषितिंदुक है, तो उसका प्रयोग करते हैं। 5 डेज ने तो पेशंट अश्मरी सोबत घेऊन आला होता दवा दाखवायला। यस, तो न केवल उसकी वेदना शांत हुई लेकिन वो अश्मरी निकल भी गया इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि जैसे हम रोग को समझते हैं उसी प्रकार से दवा को भी समझना। रोगो माधव परीक्षित ततो नंतरम औषधम। ये औषध को हम भूल जाते हैं कि औषध की भी परीक्षा करनी है, किस अवस्था में किन रोगों में इस औषध का प्रयोग करना है ये भूल जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा हमारे काम में आती है वो गुरु शास्त्री की किताब, उन 5 भाग जो है औषधि गुरु धर्म शास्त्र, और फिर इसके आधार पर कौन सी दवा ज्यादा सूट होगी ऐसा सोचकर उस दवा का प्रयोग करें। लेकिन हम खुद उस पाठ को समझकर और उसकी फलश्रुति को जानकर कहाँ कहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं ये देखने की अगर कोशिश करेंगे तो काफी अलग इस प्रकार से आएंगे। कुबेराक्ष वटी दिनल कैलकुलाई पेन में तात्काल कुछ, ये अच्छी बात है। वैसे कुबेराक्ष वटी गर्भाशय गत विकारों में एंडोमेट्रियोसिस वगैरह इस प्रकार में काम करती है, या फिर डिलेड मेंसेस इस पीसीओडी के जरिए है उसमें भी काम करती है। वो ओवेरियन सिस में या बढ़ी हुई है अगर ओवरी, तो उसका कुबेराक्ष का लेप उस पे लगाते हैं, ये भी एक अलग इस प्रकार की बात रहेगी। तो हमें एक इस प्रकार का दृष्टिकोण नहीं करना चाहिए। कोलटकर सर ने एक बहुत अजीब उदाहरण बताया था और मैंने भी ताराचंद में एक अजीब उदाहरण देखा था इस प्रकार से। कोई एक या 1.5 बरस का बच्चा और अतिसार सलाइन लगाया हुआ था, और एक बुजुर्ग डॉक्टर आए ताराचंद के, उन्होंने देखा और हाउसमैन को सलाह दे दी कि ये शतावरी कल्प देना आरंभ करो, उसको डिहाइड्रेटेड है इस प्रकार से। हाउसमैन ने देना आरंभ किया, फिर बाद में रजिस्ट्रार आया तो उसने पूछा क्या कर रहे हो, शतावरी कल्प दे रहा। तो बोले क्यों, किसने बताया तुम्हें? अमुक सर ने बताया। क्या मूर्ख हो क्या? तो रजिस्ट्रार बोलने लगा मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, ऊपर से ऑर्डर आया मैंने दे दिया बस, बाकी क्या करना। तो बोला अरे ये दूध बढ़ाने की दवा है, ये तो लड़का है लड़की भी पीएंगे, और इसको शतावरी कल्प कैसे खिला है? तो कितनी मूर्खता हो सकती है कि हमारे दिमाग में शतावरी ये केवल संधि बढ़ाने की दवा है, और चाहे लड़का हो लड़की हो 1 बरस 1.5 बरस उसको कैसे देंगे, ये अगर आप सोचते हैं तो शतावरी कल्प उस अवस्था में देना योग्य है नहीं ये अलग बात है इस प्रकार से, क्योंकि वो भी गुरु है शतावरी वास्तव। फिर भी ये बात इस प्रकार की हो सकती है। कोलटकर सर ने एक ऐसे ही मेल पेशेंट को शतावरी कल्प लिख के दिया था, दुकानदार ने उसको वापस भेजा और वो बोला कि ये तुम्हें गलती से दवा दी गई है। तो क्या हुआ, ये तो दूध बढ़ाने वाली दवा है, औरतों के काम में आती है, तुम्हें गलती दे दी। तो वो कोलटकर सर के पास वापस आया, फिर सर ने बताया वो उसके लिए भी काम में लाती लाई जाती है, लेकिन ये
शुक्रवर्धन भी करने वाली है, तो तुम्हें शुक्रवर्धन के लिए मैंने दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम ले लो। और सर ने उसको श्लोक दिखाया निकाल के, ये श्लोक है इस प्रकार से। तो इस प्रकार की गलत सहमियां बहुत सारे लोगों में है, और जब तक मूल ग्रंथों को पढ़ेंगे नहीं, जब तक जो पाठ जो है समझेंगे नहीं, और फिर रसोन हिंग कुबेराक्ष मेन कंटेंट्स वात कपो प्रधान दृष्टि मध्य उत्तम विदर्श, या तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हर औषध के बारे में हमें सोचना है, हर रोग के बारे में सोचना है कि उसी प्रकृति क्या है, उसके अधिष्ठान किस किस प्रकार के हैं, और हेतु विशेष किस प्रकार के हैं। इन तीन बातों पर नए विकारों के बारे में सोचना, और इसके लिए शायद सहायता थोड़ी एलोपैथी से मिले, जो उन्होंने उस रोग के बारे में बताया हो, उसमें अगर कुछ हमें इसके रेफरेंसेस मिलेंगे तो शायद उसके आधार पर सोचेंगे। तो अभी मुझे डर लग रहा है कि ऑटो इम्यून डिसीजेस बहुत बढ़ जाएंगे वैक्सीनेशन के जरिए, और हमारे लिए भी वो मुसीबत हो गया, अनुभूति में तो मुसीबत होगी ही होगी, लेकिन हमारे लिए भी वो मुसीबत। तो मूल रूप से इम्यूनिटी बढ़ाना, वहां तो समझ पाएंगे कि अपने कौन है, पराये कौन है, और फिर अपनों पर हमला करना छोड़ दे और केवल परायों पर ही हमला करे, ये बात लेनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा था ये सेल्यूलर लेवल पे मोह है, और शायद भगवत गीता इसमें काम करेगी। मैंने कुछ एक दो मरीजों को बताया भी, आप भगवत गीता पढ़ना आरंभ करो, समझ में लेने की कोशिश करो, सिर्फ पढ़ने से ज्यादा बात नहीं होगी, लेकिन वो समझना चाहिए। फलगुरु तो मेल पेशेंटला प्रिस्क्राइब केल्यावर असाच अनुभव आला, पेशंटचा कॉल आला की हे तर लेडीज पेशंट साठी औषध आहे। तो अभी इन सभी के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि कैसे हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है, और केवल एक औषध को विशिष्ट तरीके से ही प्रयोग में लाते रहना बराबर नहीं है। भली भांति उस औषध को समझ कर कहाँ कहाँ पे उसका प्रयोग हो सकता है ये देखना जरूरी है। इसीलिए हमने सहस्रयोग पढ़ा कि सहस्रयोग काफी प्रचलन में है साउथ में, वो एक दृष्टि से उसको देखते हैं, महाराष्ट्र की परंपरा के अनुसार उसको कहाँ कहाँ पे प्रयोग में ला सकते हैं ये देखना है, इसमें अहम बात इस प्रकार की थी। और दूसरा एक ऐसा था कि पाठ को देखते हुए हमें किस प्रकार के सुझाव मिलते हैं, कहाँ कहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। और एक अच्छी बात है कि दवाइयां उपलब्ध है, हम सोचेंगे अगर दवाइयां उपलब्ध नहीं हो तो भी प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन दवाइयां उपलब्ध है, काफी मात्रा में उपलब्ध है, तो उसको भली भांति प्रयोग में ला सकते हैं, और फिर हमारी यशस्विता बढ़ेगी इस तरीके से। तो मेरा यह निरंतर प्रयास चल रहा है कि रोगों को समझने की कोशिश करें वो चरक के आधार पर मुख्य रूप से, क्योंकि उसके जैसा तत्व ज्ञान बाकी ग्रंथ में नहीं है। औषधियों को समझने की कोशिश करो, वो शायद गुणे शास्त्री वगैरह या फिर अपने अपने तरीके से उसके बारे में विचार करते हैं, कंपोजिशन क्या है उसके बारे में विचार करते हैं ना, और फिर उसको आगे बढ़ाते रहे ना, तो ये बात इस प्रकार की हो सकती है। ठीक है, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकाण्डो निगदित इह शल्य तंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतो यन् निखिल जन कृपा व्याप्त चित्ते नयेन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गोऽभिनन्दनं वैद्यवर्गोऽभिनन्दनं। Which Medha drug to give should be given according to dosha
प्राधान्य प्रकृति ऑपरेशन। अभी मिथ्या विशेषण से शंकर पुष्प ये है शिरणे यष्टि मधु से चूर्ण, ये मैंने काफी लोगों ने किया है। वैसे यष्टि मधु त्रिदोष का मत अच्छे वाकृत प्रधान है लेकिन कफ का भी शमन करती है और सिंपल है शिरणे यष्टि मधु से चूर्ण, तो ये इस प्रकार से दे सकते बाकी भी ढूंढने पड़ेंगे। और जो बुद्धि मेधा कर गुण बताया गया है उसका भी प्रयोग अगर कर सकेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो विद्याचार्य सेवा की बुद्धि मेधा कर गुण सतता के नियम बाधा परतंत्रावलोकन, तो ये बात भी ध्यान में रखनी है। विरम्यते व्याख्यान व्यापार श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।